झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की कार्यशाला में योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीण इलाकों के हित पर नीति आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं में ग्रामीणों के आर्थिक संसाधनों की वृद्धि पर विशेष बल दिया। मैं नीति आयोग से ये कहना चाहूँगा, कुछ योजनाएं जिसके वजह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को हम लोग उनके आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी करने का कार्य कर सकते हैं, जैसे मनरेगा के कार्य हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यह है कि मनरेगा में जो वेजेस हैं, इस देश में लगता है सबसे कम वेजेस अगर है तो झारखंड प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की आय में वृद्धि कैसे हो, उनकी परचेजिंग पावर कैसे बढ़े, जब तक लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे अर्थव्यवस्था की साइकिल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी और लोगों की दशा में भी बदलाव नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टीम स्वामी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री ने स्टीम स्वामी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने गरीबों और वंचितों के हित में फादर स्टीम स्वामी के योगदान को याद किया। फादर स्टीम स्वामी आज हमारे बीच नहीं है। मुझे लगता है कि युगों युगों में एकाध लोग ऐसे उभर के आते हैं जिनकी छाप कभी नहीं मिटती। अपने जीवन काल में कुछ ऐसे चीजों को भी करके जरूर हमें निकलना चाहिए जिसका असर हमारे आने वाले पीढ़ियों तक के लिए एक इतिहास बन के रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष और समाज हित के लिए कुछ अच्छा कर जाने की भावना रखने पर भी विशेष बल दिया।